चलिए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन है, तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन आपके पास आती है, आप एक बार कोशिश करते हो कि उसको हम लोग क्या करें, रिजॉल्व करके कुछ इंटीग्रेबल फॉर्म में पहुंचाएं। तो यहाँ पे आपको देख के नज़र आना चाहिए कि कॉस 2x है, ये सब तो x वाले एंगल है, ये 2x है, तो इसको हम x में पहुँचाएँ। इसके लिए कॉस 2x का फॉर्मूला प्लेस करना पड़ेगा, वो तीन होते हैं ना, चार होते हैं बल्कि, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो कोई आप क्या प्लेस करोगे, जो भी प्लेस करना है कर दीजिए। यहाँ पे सूट कर रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, हालांकि कोई भी प्लेस करेंगे तो वहां तक पहुंच ही जाएंगे, ओवर कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो कॉस 2x का हमने ये फॉर्मूला प्लेस कर दिया, ये कॉस 2x का फॉर्मूला प्लेस कर दिया। अब ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स है और ये प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स है, दैट गेट कैंसिल आउट एंड वी गेट 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, इट रिटेन एज ए सेक स्क्वायर एक्स। और सेक स्क्वायर एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, या ये किसका डेरिवेटिव होता है, सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है। इसका मतलब सेक स्क्वायर एक्स का एंटी डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, टेन एक्स आ जाएगा, और प्लस इनडेफिनिट कॉन्स्टेंट सी। तो दैट इज सिंपल क्वेश्चन।